वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एट योर होम. स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस क्लास. नाउ टेक आउट योर साइंस बुक. स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू लेसन 3, प्रीसियस सॉइल. प्रीसियस सॉइल मीन्स स्टूडेंट्स बहुमूल्य मिट्टी. स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 26. 26 पेज नंबर पे आप लोगों को एक वर्क दिया गया है, ठीक है, वार्म अप करने के लिए. इसमें आप लोगों को इस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है. देन आपको अनस्क्रम्बल लेटर्स दिए गए, वर्ड दिए गए हैं, उन लेटर्स को आपको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, अब हम लोग चैप्टर रीड करेंगे. ओपन पेज नंबर 27, सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का गठन. द अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव ऑन. हमारे रहने के लिए अर्थ क्या है, एक बहुत ही सुंदर जगह है. देयर आर हिल्स एंड प्लेन्स, डेजर्ट एंड माउंटेन्स, ड्राई लैंड्स एंड सीज ऑन अर्थ. यहाँ पे क्या है, विभिन्न प्रकार की हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं, पहाड़ियाँ हैं, मैदान हैं, रेगिस्तान हैं, पहाड़ हैं, शुष्क भूमि है एंड सीज, समुद्र हैं. कहाँ पे, हमारी पृथ्वी पे. आ वैरायटी ऑफ एनिमल्स लिव हेयर. और विभिन्न प्रकार के जानवर भी यहाँ पे रहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन इट. और विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, पौधे यहाँ पे उगते हैं. द अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, बट अर्थ हमेशा से क्या थी, ऐसी नहीं थी. इन द बिगनिंग देयर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ. स्टार्टिंग में जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे जीवन नहीं था. इट वॉज कवर्ड विद हार्ड रॉक. और ये कठोर रॉक से ढकी हुई थी, कठोर चट्टानों से ढकी हुई थी हमारी पृथ्वी. द सन हीटेड अप द रॉक्स. सन ने क्या किया, रॉक्स को हीट किया. द रेन कूल्ड देम. रेन ने क्या किया, इसको ठंडा किया. एंड द विंड ब्लू ओवर देम. और जो विंड थी, हवाएं थी, ये इसके ऊपर से चली. दिस कंटिन्यूड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. और ये लगातार लाखों वर्षों तक ऐसा चलता रहा. एज अ रिजल्ट द रॉक्स ब्रोक अप इंटू स्मॉल पीसेस. और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो रॉक थी, जो चट्टाने थी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई. दिस स्मॉल पीसेस ब्रोक फर्दर इंटू स्मॉलर पीसेस. और ये छोटे छोटे टुकड़े फिर से क्या हो गए, और छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए. दे वर कैरीड अराउंड बाय विंड एंड वाटर. और वे विंड और वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर बहाए गए. दिस पीसेस रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. और क्या हुआ, जब एक दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहे, तो क्या हुआ, ये आपस में रब हुए, रगड़े, जिससे क्या हुए, ये टिनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए. और ये टिनी पार्टिकल्स क्या हुए, सॉइल, मिट्टी. द एक्शन ऑफ सन, द रेन एंड विंड ब्रोक अप द रॉक्स टू मेक सॉइल. सन की क्रिया बारिश और हवाओं के द्वारा क्या हुआ, जो रॉक्स थी, जो चट्टाने थी, वो किसमें कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट्स, सॉइल में कन्वर्ट हो गई. इट टुक मिलियन ऑफ ईयर फॉर दिस टू हैपन. और इसको होने में काफ़ी वर्ष लग गए. दे टेक सैम्पल ऑफ सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, अ प्ले ग्राउंड, अ गार्डन और अ पैडी फील्ड्स. वाइल वन सैम्पल में भी लाइट ब्राउन, द अदर में भी डार्क ब्राउन और ब्लैक. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग रोड साइड से, प्ले ग्राउंड से, गार्डन से और पैडी फील्ड से क्या लें, मिट्टी के सैंपल लें, तो हम लोग क्या देखेंगे, कुछ मिट्टी के सैंपल ब्राउन होंगे, लाइट ब्राउन होंगे, कुछ डार्क ब्राउन होंगे, कुछ ब्लैक होंगे और कुछ अदर कलर के होंगे. इससे क्या स्टूडेंट्स पता चलता है हमको, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट कलर. अलग अलग मिट्टी के अलग अलग कलर होते हैं. नाउ ऑब्जर्व ईच सैंपल विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से स्टूडेंट्स उसको ऑब्जर्व करेंगे, यू विल सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज. क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से मिट्टी को देखेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं. नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 28. वॉट डज सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या होता है. ठीक है, टेक सम सॉइल फ्रॉम अ गार्डन. गार्डन से हम लोग कुछ मिट्टी लेंगे. पुट इंटू अ एम्प्टी जार, एक जार में उसको हम लोग रखेंगे. फिल द जार विद वाटर, और जार को वाटर से फिल कर देंगे. कवर इट विद अ लिड एंड शेक वेल. और उसको हम लोग क्या करेंगे, लिड से, ढक्कन से बंद कर देंगे और उसको अच्छे से शेक करेंगे, हिलाएंगे. अब हम लोग क्या देखेंगे, उसको 15 मिनट के बाद, 15 मिनट तक उसको वैसे ही रख देंगे. और हम
लोग देखेंगे कि जो मिट्टी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी होगी। स्टूडेंट द स्टोन सेटल डाउन एट द बॉटम, जो स्टोन होंगे जो पत्थर होंगे वो कहाँ पे, सबसे बॉटम में होंगे, नीचे होंगे। द ग्रेन ऑफ सैंड आर सीन अबव द स्टोन, और जो हमारे स्टोन्स होंगे वो जो हमारे सैंड होगी, जो सैंड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बालू या रेत, वो कहाँ पे होगी, स्टोन के ऊपर होगी। द क्ले सेटल डाउन अबव द सैंड, और सैंड के ऊपर क्या होगा, हमारी क्ले होगी। द वाटर अबव द टॉप लेयर इज नॉट वेरी क्लियर, और सबसे टॉप लेयर पे क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर होगा जो कि बहुत ही क्लियरली हमको नहीं दिखाई दे रहा होगा। पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट एंड इंसेक्ट फ्लोट ऑन टॉप, जो पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स होंगे, ठीक है, डेड प्लांट्स के पार्ट्स और इंसेक्ट के पार्ट, ये सब कहाँ पे होते हैं, टॉप पे फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूमस। और ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस एक उर्वरक मिट्टी होती है, जो मिट्टी का ऊपरी परत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमस बोलते हैं। दिस एक्टिविटीज शो दैट सॉइल कंटेन ह्यूमस, क्ले, सैंड एंड स्टोन। इससे स्टूडेंट्स हमको क्या पता चलता है, जो सॉइल होती है उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है, क्ले होता है, सैंड होता है और स्टोन्स होते हैं। स्टूडेंट्स जो सबसे नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोन्स। जो हमारे बॉटम में होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्टोन्स। स्टोन्स के ऊपर जो और छोटे 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 आपको पीसेस दिखाई दे रहे होंगे, टुकड़े दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, सैंड के होते हैं, ठीक है। हमारा स्टोन के ऊपर के कौन सा पार्ट होता है, सैंड होता है। सैंड के ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होती है, क्ले होती है। सैंड के ऊपर क्या होती है, क्ले। और उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको वाटर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वाटर क्या होता है, वाटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ऊपरी परत होती है किसकी, सॉइल की। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। नाउ एक्टिविटी नंबर टू, पुट सम सॉइल इन स्मॉल टीन। स्मॉल टीन में हम लोग क्या रखेंगे, थोड़ी सी सॉइल रखेंगे। कवर इट विद अ लिड, लिड से उसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कवर कर देंगे। विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट हीट द टीन ऑन अ लो फ्लेम, क्या करेंगे हम लोग, किसी एडल्ट की हेल्प से, किसी बड़े की हेल्प से हम लोग जो टीन होगी उसको लो फ्लेम पे हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ओपन द लिड, जब हम लोग ओपन करेंगे लिड को, व्हाट डू यू सी ऑन द इनसाइड ऑफ द लिड, लिड के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदे। दिस प्रूव दैट सॉइल हैज मॉइस्चर ऑन इट, इससे क्या स्टूडेंट्स प्रूव होता है कि जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होता है। नाउ एक्टिविटी नंबर थ्री, पुट सम सॉइल इन द ग्लास जार, एक ग्लास जार में हम लोग क्या रखेंगे, थोड़ी सी मिट्टी रखेंगे, और वाटर ओवर इट, और उसमें क्या करेंगे, उसमें पानी भर देंगे। यू विल सी बबल्स फ्लॉट अप, आप क्या देखेंगे कि जो बबल्स होंगे वो ऊपर आपको दिखाई देंगे, मिट्टी के ऊपर बबल्स फ्लॉट अप आपको, मतलब बबल्स उसके ऊपर आपको दिखाई देंगे। दिस हैपन्स बिकॉज एयर इज ट्रैप्ड इन द सॉइल, और ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो हमारी सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है, एयर है। दिस एयर स्कैप एंड फॉर्म्स बबल्स, और ये एयर क्या होती है, मिट्टी के अंदर होती है और ये बबल्स के फॉर्म में हमको दिखाई देती है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को लेके हम लोग ये एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। सम कंटेन मोर वाटर, अदर कंटेन मोर एयर, कुछ में क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी होगा, और कुछ में क्या होगा, बहुत ज़्यादा एयर होगी। स्टूडेंट्स नाउ टर्न पेज, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पे स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ ओरल क्वेश्चंस दिए गए हैं, चूज द करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चंस को आपको खुद से पढ़ना है, देन आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के राइट आंसर को टिक करना है। देन नेक्स्ट क्या है आपका, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल कितने टाइप्स की होती हैं, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोम आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल। कौन कौन सी सॉइल होती हैं स्टूडेंट्स, सैंडी सॉइल, सैंडी, क्ले एंड लोम, कितने टाइप्स की सॉइल होती हैं स्टूडेंट्स, थ्री टाइप्स की सॉइल होती हैं, सैंडी, क्ले एंड लोम। सैंडी सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट एंड ऑन द सी सोर्स, जो सैंडी सॉइल होती है स्टूडेंट्स ये कहाँ पे पाई जाती है, डेजर्ट में पाई जाती है, रेगिस्तान में और समुद्र के किनारे। सैंड पार्टिकल्स आर बिग, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिग होते हैं, बड़े होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, जो हमारे सैंड होती है स्टूडेंट्स, सैंड में क्या होता है,
बीच में काफी स्पेस होता है, ठीक है, इसलिए इसमें क्या होती है, लॉट्स ऑफ एयर होती है, भारी मात्रा में इसमें क्या होती है, एयर होती है। सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मच वाटर, सैंडी सॉइल में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी नहीं रुकता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, सैंड पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है। क्ले सॉइल इज स्टिकी एंड इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज। स्टूडेंट जो क्ले सॉइल होती है ये क्या होती है, बहुत ही स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, इसलिए इसको किस में यूज़ किया जाता है, टॉय और पॉट्स बनाने के लिए। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, फाइन होते हैं, देयर इज नो स्पेस फॉर एयर बिटवीन द पार्टिकल्स, और इसमें एयर के लिए स्पेस नहीं होता है पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनके बीच में स्पेस कम होता है और ये आपस में चिपके हुए होते हैं, ठीक है। क्ले के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं, इसलिए इनके बीच में एयर नहीं रुकती है, इसलिए ये पॉट्स और टॉयज बनाने के लिए यूज की जाती है। दिस सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, और इसके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी रुक सकता है। लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, जो लोमी सॉइल होती है, लोम सॉइल होती है, ये क्या होती है, सैंड और क्ले सॉइल का मिक्सचर होती है। इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर, इसमें क्या होता है, इसमें पानी और जो एयर होती है, जो वाटर एंड एयर दोनों इसमें होती है पर्याप्त मात्रा में। इट हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस, और इसमें उर्वरक तत्व भी होते हैं, ह्यूमस भी होता है। लोम इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स, लोम क्या होती है, प्लांट्स के लिए बेस्ट सॉइल होती है, बिकॉज इट कंटेन एयर वाटर एंड ह्यूमस, क्योंकि इसमें एयर भी पर्याप्त मात्रा में होती है, वाटर भी पर्याप्त मात्रा में होता है, और जो हमारा ह्यूमस होता है वो भी पर्याप्त मात्रा में होता है। ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उर्वरक बनाता है, उर्वर बनाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ह्यूमस उर्वरक तत्व होता है। सॉइल एंड क्रॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, विभिन्न प्रकार, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स क्या होते हैं, अनाज अलग अलग प्रकार की मिट्टी में बोए जाते हैं। सम नीड सैंडी सॉइल, कुछ को सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है, वाइल सम नीड क्ले सॉइल, और कुछ क्रॉप्स को बोने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, क्ले सॉइल की ज़रूरत होती है। अदर नीड लो, और कुछ को लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है। येट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो बेटर When manure is added, और हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स जो अनाज बोए जाते हैं उसके लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, खाद मैन्यूर ऐड किया जाता है, जिससे क्रॉप क्या हो, अच्छी ग्रो हो। मैन्यूर कंटेन द काउ डंग एंड डिकिंग लीव्स, मैन्यूर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा खाद होती है, खाद में हमारा काउ डंग होता है, गाय का गोबर होता है, और जो हमारी पत्तियां होती हैं वो होती हैं। मैन्यूर इज एडेड बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस, मैन्यूर हम लोग क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में ह्यूमस होता है, एंड इट मेक द सॉइल फर्टाइल, और ये क्या करता है, सॉइल को उर्वर बनाता है, ठीक है, सॉइल को क्या करता है, फर्टाइल करता है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई वर्ड को समझने में या किसी भी लाइन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे घर पे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।